वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी चीज जो अमर अकबर एंथनी के अमर की तरह ऑल इन वन है। जी हाँ, अमर है वन मैन बैंड और हमारी आज की रेसिपी है वन पॉट मील। इसमें है अनेक सब्जियों के गुण, गेहूं की ताकत, मसालों के एक्साइटिंग फ्लेवर्स। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खाइए। The ultimate comfort food, वेजिटेबल दलिया खिचड़ी। चलिए बनाते हैं। दलिया खिचड़ी के लिए हमें चाहिए आधा कप दलिया। दो से तीन लोगों का अच्छे से लंच हो जाएगा। इसे इंग्लिश में ब्रोकन वीट या क्रैक्ड वीट भी कहते हैं, टूटा हुआ गेहूं। इस डिश का बेस होगा टमाटो मसाला, जिसके लिए मैंने दो मीडियम साइज टमाटोज चॉप कर लिया है। तीन से चार लहसुन बारीक कटे हुए, ना खाने वालों के लिए ऑप्शनल। एक इंच अदरक, दो से तीन कटी हरी मिर्च अपने हिसाब से, छौंक के लिए आधा टेबल स्पून राई, एक टीस्पून जीरा, एक चुटकी हींग पाउडर, एक टेबलस्पून कसूरी मेथी बढ़िया फ्लेवर के लिए। अगर ना हो तो खरीदे या पड़ोसी से बोरो करें, पर इससे मिस मत करिए। एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हरी धनिया और स्वाद अनुसार नमक। अब आता है अपने सब्जी का डिपार्टमेंट। जो आपको पसंद हो वो डालिए। मैंने चूज किया है एक आलू, थोड़े फ्रेंच बीन्स या फंसी, एक शिमला मिर्च, तीन चार स्प्रिंग अनियंस, दो तीन मीडियम साइज गाजर, थोड़ा फ्रेश मटर छिल लिया है मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट ये सैजन, अंग्रेजी में मोरिंगा या ड्रमस्टिक्स। शुरुआत करते हैं थोड़ा कटिंग शटिंग से। ध्यान रखें कि पीसेस बड़े होने चाहिए, वरना पकने के बाद सब्जी की जगह हलवा मिलेगा। फ्रेंच बीन्स आप ऐसे काट सकते हैं, अच्छा शो आएगा। स्प्रिंग अनियंस तो काटना बहुत ही आसान है, और सैजन को काटें इस तरह, रेशे आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, वेरी इजी। पिक्चर अब शुरू नहीं हुई है। तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दलिया को अच्छे से भुनिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वक्त की कमी हो तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। गरम होते ही इसमें से अच्छी महक आने लगी और ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब आंच बंद और पिक्चर शुरू। एक टीस्पून तेल और एक टेबलस्पून घी। घी का मजा कुछ और ही है। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ये है फर्स्ट स्टेप, आधा टेबलस्पून राई और एक टीस्पून जीरा। अदरक को कद्दूकस कर लेते हैं। हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, वाह 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 क्या महक है। एक चुटकी हींग पाउडर। सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दो मीडियम साइज प्याज, सॉरी मैं ये स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेते हैं। बस इतना ही। चॉप्ड टमाटोज, थोड़ा हल्दी और नमक ताकि मसाले का पानी जल्दी सूख जाए। बीच बीच में मिक्स करते रहें। ये अपना स्पेशल आइटम कसूरी मेथी,
डालने से पहले गरम तवे पे थोड़ा भून लें ताकि क्रिस्प हो जाए। टमाटर अच्छे से गल गया है, यानी कि अब गरम मसाले की बारी। बेस रेडी। अब एक एक करके सारी कटी सब्जी ऐड करते हैं। सहजन अभी मत डालिए। काफी ड्राई है, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब्जी और मसाले अच्छे से घुल मिल जाएं। आधा टेबलस्पून नमक, बेफिक्र डालें क्योंकि ये अब तक स्वाद अनुसार नहीं है। 2 मिनट पकाएंगे, डन। चलिए अब इसे कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली कुकर में भी पका सकते हैं, मुझे कढ़ाई में पकाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जितना हमने दलिया लिया था उसका 3.5 गुना पानी लीजिए, 3.5 times। आप कुकर में डायरेक्टली डाल सकते हैं, बस यहाँ थोड़ा पैसा वसूल कर रहा हूँ। भुना हुआ दलिया मिक्स कर लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा चख के देखें ताकि नमक का अंदाजा मिल जाए। और ये गया स्वाद अनुसार नमक। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि नमक नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पकते वक्त दलिया और सब्जी थोड़ा नमक सोख लेंगे और फाइनल डिश परफेक्ट बनेगा, वरना आपको नमक थोड़ा कम लगेगा। अब सहजन को इस तरह डाल देते हैं ताकि इसका फ्लेवर चारों ओर छा जाए। मीडियम आंच पर पकाना है। स्टेनलेस स्टील कुकर वालों के लिए एक टिप, उबाल आने तक रुकिए और फिर कुकर बंद कीजिए ताकि कुकर के बेस में दलिया चिपक कर जले नहीं। 3 सीटी बजने तक पकाएंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी खिचड़ी आपके प्यार के साथ और भी टेस्टी बने। कुकर खोलते हैं और ये तो स्पेशल इफेक्ट हो गया, और क्या महक है, वाह। सर्व करते हैं। थोड़ा हरा भरा प्यार और ये प्यार भरा तोहफा। वाकई मजा आ गया। तो इस खिचड़ी में आप अपने चॉइस की सब्जियां डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी में जो मैंने सब्जियां डाले, उसके अलावा आप इसमें फूलगोभी, लौकी, कच्चा केला, बैगन, बेबी कॉर्न, जो चाहिए डाल सकते हैं। कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, बट टेक्निक इम्पॉर्टेंट है। इट्स सुपर यमी, सुपर हेल्दी, वेरी रिच इन फाइबर्स। इट्स वेरी ईजी टू मेक। आप भी इसे बना के ट्राई कीजिए, आपको भी मजा आएगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, कुक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।